अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। मैच के दौरान मरने वाले 12 मशहूर तरीन क्रिकेटर्स। नाज़रीन, क्रिकेट का शुमार न सिर्फ दुनिया भर के मकबूल तरीन खेलों में होता है बल्कि एशियाई ममालिक में क्रिकेट के शायकीन की तादाद करोड़ों में है, जो अपने मनपसंद खिलाड़ियों की एक झलक देखने के लिए घंटों टीवी स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। मगर ये खेल जितना लुत्फ अंदोज है उतना ही खतरनाक भी है, और इसी वजह से कभी कभी तो खिलाड़ियों को क्रिकेट के बाइस अपनी जानों से भी हाथ धोना पड़े और दौराने मैच ही कुछ खिलाड़ी अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको क्रिकेट के 12 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मैच के दौरान पेश आने वाले हादसात की वजह से इस दुनिया से चल बसे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, फिलिप्स ह्यूज। नाज़रीन, फ्लिप दाएं हाथ से खेलने वाला नौजवान और उभरता हुआ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था। फ्लिप ने 20 साल की उम्र में 2009 में टेस्ट मैच और 2013 में वनडे डेब्यू किया था। यह ऑस्ट्रेलिया का रोशन मुस्तकबिल था, मगर बदकिस्मती से 25 नवंबर 2014 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले मैच के दौरान एक बाउंसर ने इसकी गर्दन को बुरी तरह हिट किया, जिससे ये बेहोश हो गया और इसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मगर बदकिस्मती से ये जिंदा ना बच सका और 2 दिन कोमा में रहने के बाद चल बसा। नंबर 2, रमन लांबा। नाज़रीन, रमन लांबा एक हिंदुस्तानी क्रिकेटर था जिसने 4 टेस्ट मैचेस और 32 वनडेज में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की। रमन ने 1986 में पहली बार ऑस्ट्रेलियन लीग से फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज किया और इसका शुमार अपने वक्त के मशहूर तरीन क्रिकेटर्स में होता था। रमन लांबा 23 साल की उम्र में बांग्लादेश में मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए अचानक ब्रेन हैमरेज के बाइस गिरे और 2 दिन कोमा में रहने के बाद 23 फरवरी 1998 को ढाका के एक हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए। नाज़रीन, रमन लांबा की अलमनाक मौत ने न सिर्फ भारतीय टीम बल्कि शायकीन क्रिकेट को भी गहरे सदमे में मुबतला किया। नंबर 3, अब्दुल अजीज। नाज़रीन, अब्दुल अजीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर और ओपनिंग बैट्समैन थे। अब्दुल अजीज का शुमार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इब्तदाई खिलाड़ियों में होता है। 17 जनवरी 1959 को कराची में कायद आजम ट्रॉफी के मैच के दौरान दिलदार ऐवान की गेंद इनके सीने में लगी और ये गिर गए। इसके बाद अब्दुल अजीज को फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, मगर ये रास्ते में ही दम तोड़ गए। नंबर 4, डैरन रैंडल। नाज़रीन, रैंडल जनूबी अफ्रीका का एक क्रिकेटर था। यह दाएं हाथ का बैट्समैन और विकेट कीपर था। रैंडल 27 अक्टूबर 2013 को होने वाले एक मैच के दौरान क्रिकेट बॉल के सर पे लगने के बाइस इंतकाल कर गया। जब गेंद ने इसके सर को मुतासिर किया तो ये मौके पे ही दम तोड़ गया। नंबर 5, रैंडम वेंचोर। नाज़रीन, ज्यादातर लोग नबीबिया के दाएं हाथ के बैट्समैन रैंडम के बारे में नहीं जानते। रैंडम नबीबिया का 200 से ज्यादा मैचों में अपनी टीम की नुमाइंदगी करने वाला इंतहाई माहिर क्रिकेटर था। नवंबर 2015 में वंडर्स क्रिकेट ग्राउंड में फ्री स्टेट के खिलाफ मैच खेलते वक्त रैंडम को हीट स्ट्रोक हुआ, जिससे जानबर होने में ये नाकाम रहे और 25 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। नंबर 6, आयान फोले। नाज़रीन, आयान फोले दाएं हाथ के इंग्लिश क्रिकेटर और बाएं हाथ के मीडियम पेसर और स्पिनर थे। वर्किंग टर्न के खिलाफ मैच खेलते वक्त आयान अली की आंख के नीचे गेंद लगी, जिसने इनको गहरी चोट दी। आयान को फौरी तौर पर आंख के एक मामूली ऑपरेशन के लिए मुकामी हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर बदकिस्मती से बेहोशी के दौरान ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से ये 30 अगस्त 1993 को हॉस्पिटल में ही इंतकाल कर गए। नंबर 7, अनकत केशरी। नाज़रीन, अनकत केशरी दाएं हाथ का हिंदुस्तानी बैट्समैन था। ये कभी भी बैनुल अक्वामी सतह पर हिंदुस्तान के लिए नहीं खेला था, मगर बंगाल के लिए डोमेस्टिक मैच खेला था। 17 अप्रैल 2015 को एक डोमेस्टिक मैच के दौरान अंकत स्वीपर कवर पर फील्डिंग कर रहे थे,
और कैच लेने के लिए भागते हुए अंकत और सारो एक दूसरे से टकरा गए। नाजिन, ये क्रिकेट के मैदान में एक मामूल का हादसा था, मगर अंकत के लिए नहीं। ये जमीन पर गिरे और बेहोश हो गए, इनके मुंह से खून बहने लगा। इनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया, मगर इलाज के दौरान ही 20 अप्रैल 2015 को अंकत का इंतकाल हो गया। नंबर 8, वसीम राजा। नाजिन, वसीम राजा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी और मशहूर खिलाड़ी और कमेंटेटर रमीज राजा के भाई थे। वसीम राजा दाएं हाथ से गेंद करने वाले लेग स्पिन बॉलर थे। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नामवर खिलाड़ी थे और 1983 और 84 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जब इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी कर रहे थे तो वसीम राजा भी इस टीम में शामिल थे। नाजिन, 23 अगस्त 2006 को एक काउंटी मैच के दौरान वसीम राजा ने स्लिप में खड़े साथ ही फील्डर्स को बताया कि उनको चक्कर आ रहे हैं और ये मैदान से बाहर जाना चाहते हैं। इनको जब मैदान से बाहर ले जाया जा रहा था तो ये बाउंड्री लाइन पर इंतकाल कर गए। नंबर 9, जुल्फकार भट्टी। नाजिन, जुल्फकार भट्टी पाकिस्तान का एक उभरता हुआ क्रिकेटर और मुस्तकबिल में पाकिस्तान की कौमी टीम का हिस्सा बनने वाला खिलाड़ी था। 20 दिसंबर 2013 को सखर में जिना म्यूनिसिपल स्टेडियम में क्रिकेट मैच के दौरान बॉल लगने की वजह से ये जान की बाजी हार गया। 22 साला नौजवान क्रिकेटर जुल्फकार भट्टी को बैटिंग करते हुए बॉल सीने पे लगी जिससे ये पिच पर गिर गया और मौके पर ही दम तोड़ गया। नंबर 10, रिचर्ड बी मोंट। नाजिन, रिचर्ड बी मोंट इंग्लिश क्लब क्रिकेटर और एक बेहतरीन खिलाड़ी था। रिचर्ड ने एक डोमेस्टिक टेस्ट मैच में 5 विकेटें हासिल की और 5वीं विकेट लेने की खुशी में दौड़ते हुए हजारों मदाहों के सामने गिर पड़ा और फिर कभी ना उठा। नाजिन, बर्मिंगम के क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल पहुंचने पर इन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक रिचर्ड को ओवर एक्साइटमेंट के बायस दिल का दौरा पड़ा था। यूं 6 अगस्त 2012 को रिचर्ड की मौत वाकया हुई। नंबर 11, अल्केन जेनकिंस। नाजिन, इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले अल्केन जेनकिंस एक लीग मैच के दौरान अंपायरिंग की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे जब फील्डर की तरफ से फेंकी गई थ्रो वाली गेंद इनके सर पर आके लगी तो ये वहीं ग्राउंड में गिर गए और इसके बाद रिकवर ना हो सके। ये 2009 में 72 साल की उम्र में जान की बाजी हार गए। नंबर 12, एंडी डक। नाजिन, एंडी डक इंग्लैंड के एक मशहूर फुटबॉलर और क्रिकेटर थे। इनका निक नेम मैक था। इन्होंने अपने मुल्क के लिए दोनों फील्ड में नुमाया कारनामे सर अंजाम दिए। ये राइट हैंड बैट्समैन थे जो कि 23 जुलाई 1942 को 56 साल की उम्र में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में बैटिंग के दौरान अचानक वफात पा गए थे। नंबर 13, शेन वार्न। नाजिन, 22 गज की पिच पर ये जो करने वाला होता था वो कोई पिक नहीं कर पाता था। ये भी दुनिया को अलविदा कह गया, वो भी इस अंदाज में के कुछ सोच ही नहीं पाया। ये नाजिन, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर शेन वार्न की जो के 52 साल की उम्र में वफात पा गए। शेन वार्न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नहीं थे बल्कि ये इस गेम के सुपरस्टार थे। इनकी मौत ने न सिर्फ क्रिकेट खिलाड़ियों बल्कि पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस गेंदबाज की कहानी क्रिकेट से शुरू नहीं हुई बल्कि ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ से जिसने 18 साल के लड़के की जिंदगी में एक गहरी चोट पहुंचाई। लेकिन फिर हारे हुए लड़के ने जो किया वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गए। नाजिन, कहानी कुछ यूं है कि शेन वार्न ऑस्ट्रेलिया के शहर विक्टोरिया में सितंबर 1969 को पैदा हुए। इन्होंने अपने 15 साल के शानदार कैरियर में 145 टेस्ट मैचों में कुल 708 विकेटें हासिल की। शेन वार्न से ज्यादा टेस्ट विकेटें लेने वाले खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका के मुरलीधरन हैं, जबकि वनडे क्रिकेट में इन्होंने 293 विकेटें हासिल की। इनके नाम एशियंस में सबसे ज्यादा विकेटें लेने का रिकॉर्ड भी मौजूद है। इन्होंने 36 टेस्ट में 195 विकेटें हासिल की। इस तरह टेस्ट और वनडे दोनों की कुल मिलाकर इन्होंने 1001 टोटल विकेटें हासिल की। इन्होंने 301 फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैचेस में 1319 विकेटें हासिल की। क्रिकेट में इनकी कामयाबी दुनिया के लाखों लोगों के लिए एक मिसाल है।
लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़े इंसान की कहानी इतनी आसान कहाँ होती है। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ था। तो नाज़रीन ये थे वो क्रिकेटर्स जो के दौराने मैच ही वफात पा गए। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।